गाइस, मेरा नाम है रयान। आज की वीडियो में एकदम फंटास्टिक मस्त जबरदस्त ड्रोन की मैं अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग करने वाला हूँ। ये ड्रोन जो है पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है, यानी कि इंडिया के अंदर ही इस ड्रोन को बनाया गया है। ड्रोन का नाम है वीर। काफी ज्यादा फंटास्टिक फीचर्स आ जाते हैं इस ड्रोन के अंदर। चलो गाइस, फटाफट से इस ड्रोन को करते हैं अनबॉक्स और दूसरे ड्रोन के साथ इसकी फाइट भी आज मैं कराने वाला हूँ। पहले इसको खोलते हैं अपन। दोस्तों, मेरे लिए तो बहुत ही बड़ी खुशी की बात है यार, इंडिया में भी जो है इस तरह के एडवांस और जबरदस्त ड्रोन्स अभी बनने लगे हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका बॉक्स दिखा देता हूँ, इसकी पैकिंग के बारे में बात करते हैं और मैंने इसको कितने में खरीदा है ये भी फटाफट से बता देता हूँ। यहाँ पे देखो, इसका नाम लिखा है वीर बोलकर। यहाँ पे इसके क्या क्या मेन फीचर्स है सारी चीजें दी गई है, जैसे कि एल्टीट्यूड होल्डिंग इसके अंदर मिल जाती है, 360 डिग्री फ्लिप है, लॉन्ग फ्लाइट है। ये जो ड्रोन है दो कलर में मिलता है, रेड एंड ग्रीन। मेरे पास रेड कलर वाला ड्रोन है, यहाँ पे देख सकते हो इसका प्राइस दिया हुआ है और यहाँ पे क्लियरली मेड इन इंडिया बोलकर 3999 बोल के लिखा है। पर आपको ये जो ड्रोन है काफी अच्छा खासा डिस्काउंट में मिल जाएगा। बाय लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और एक कूपन कोड भी आपको यहां पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ये कूपन कोड आप एंटर करोगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट भी मिल जाएगा, तकरीबन 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। चलो इस फटाफट से इस बॉक्स को मैं यहां से ओपन कर लेता हूं। दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो पर लाइक नहीं किया तो फटाफट से लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर से दबा देना। देख लेते यार ये ड्रोन की क्वालिटी वगैरह कैसी है। मेरे को तो यार यहीं से ही पता चल रहा है कि ड्रोन की क्वालिटी जो है काफी तगड़ी बना रखी है इन लोगों ने। यहाँ पर देख सकते हो ये है इसकी यूजर गाइड, ड्रोन को किस तरह से उड़ाना है सारी चीजें इसके अंदर अपने को मिल जाएगी। पर है दोस्तों इसका रिमोट कंट्रोलर, ओ भाई रिमोट कंट्रोलर की क्वालिटी देखो यार, फिनिशिंग वगैरह काफी ज्यादा सही है और कलर कॉम्बिनेशन देखो यार इसका क्या ही तगड़ा बना रखा है। यहाँ पर 5 बटन है, यहाँ पर 5 बटन है, यहाँ पर इसके जॉयस्टिक्स दे रखे हैं, ऊपर की तरफ 2 ट्रिगर्स भी अपने को मिल जाती है, यहाँ पे ऑन ऑफ स्विच है और भी देखो यार यहाँ पे बहुत सारे बटन दे रखे हैं। पीछे की तरफ अपने को 3 AA बैटरीज इसके अंदर डालनी पड़ती है और भी बहुत सारी चीजें दी है गाइस। यहाँ पर देखो यार, ओहो तो लैंडिंग गियर्स भी दे रखे हैं इसके साथ और 4 प्रोपेलर्स भी मिल जाते हैं। प्राउडली मेड इन इंडिया बोल के लिखा है। प्रोपेलर्स की जो क्वालिटी है काफी ज्यादा अच्छी है, बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल प्रोपेलर्स इन लोगों ने दे रखे हैं। अच्छा, यहाँ पर एक बैटरी भी इन लोगों ने दे रखी है। यार जब मैंने वेबसाइट पे देखा तो इन लोगों ने लिखा था कि 2 बैटरीज इसके साथ मिलती है, शायद एक जो बैटरी है ड्रोन के अंदर ही होगी वो भी देख लेते हैं। चलो अभी आपको मैं ड्रोन भी बता देता हूँ, इसकी क्वालिटी वगैरह कैसी है ये बता देता हूँ। इसकी ये जो बॉडी है पूरी की पूरी प्लास्टिक की बनी हुई है और ये जो ड्रोन है काफी ज्यादा हल्का फुल्का है यार, काफी अच्छी खासी फ्लेक्सिबल मटेरियल की बनाई गई है। अगर ये ड्रोन जाकर कहीं से टकराएगा भी तो गाइस अपने को कोई टेंशन लेने की बात है नहीं, क्योंकि बॉडी फ्लेक्सिबल होने के कारण इसके अंदर डैमेज जो है बहुत ही कम से कम होगा। और प्रोपेलर्स को देखो यार, सेफ रखने के लिए यहाँ पर प्रोपेलर गार्ड्स भी दे रखे हैं। यहाँ पर है इसका बैटरी कंपार्टमेंट। अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया था बैटरी इसके अंदर देखो यार दूसरी वाली ऑलरेडी लगी हुई है, तो 2 ग्रीन लाइट्स है, 2 ब्लू लाइट्स दे रखी है। तो चलो दोस्तों, मेरे पास और भी ड्रोन्स हैं। वो जो ड्रोन्स हैं मैंने दूसरी कंट्री से खरीदी थी, ये जो ड्रोन है अपना इंडिया का ड्रोन है। यहाँ पे एक वीमैक्स ड्रोन है, यहाँ पर मेरे पास एक और ड्रोन है। इन दोनों ड्रोन्स का प्राइस जो है इसके बराबर जितना ही है। जैसे कि ये वीमैक्स ड्रोन जो है काफी अच्छा खासा पॉपुलर ड्रोन है, इसका प्राइस जो है 4,500 से 4,200 रुपीज के बीच में आपको मार्केट में मिल जाएगा। तो अभी ये तीसरा वाला ड्रोन भी मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्राइस जो है तकरीबन 3,900 रुपीज है। इसकी भी जो क्वालिटी है ठीक ठाक है, पर इसका कलर मेरे को एकदम मस्त जबरदस्त लगता है, एकदम रेड कलर वाला ड्रोन है। तीनों के अंदर सेम बैटरी मिल जाती है अपने को। इसकी प्रोपेलर्स की क्वालिटी ठीक ठाक है, पर ये जो ड्रोन है ना यार थोड़ा सा छोटा नजर आता है, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। देखो यार इसके सामने तो छोटा लग रहा है और इसके प्रोपेलर्स भी देखो यार इसके मुकाबले में थोड़े से छोटे दिए हुए, ऑलमोस्ट दोनों का प्राइस उतना ही है। इसके ऊपर अगर आप कूपन लगाते हो तो यार ये आपको तकरीबन 3,200 रुपीज में आराम से मिल जाएगा। लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। चलो दोस्तों, इनका रिमोट भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे कि देख सकते हो ये वीमैक्स ड्रोन का रिमोट है, काफी अच्छी क्वालिटी का रिमोट है। ये तो मैंने आपको बता दिया था भाई, एकदम अलग लेवल के क्वालिटी का रिमोट इन लोगों ने बना के दिया। चलते हैं अपन बाहर, फटाफट से तीनों ड्रोन को टेस्ट करेंगे, लेट्स गो एंड टेस्ट। ओके गाइस, सबसे पहले यहाँ पे मैं टेस्ट करने वाला हूँ मेड इन इंडिया वीर ड्रोन को। फटाफट से दोनों को एक बार पेयर कर लेते हैं। ये जो बटन है ऑटो टेक ऑफ का है, इसको एक बार दबा देते हैं। देखो यार ड्रोन जो है अपने आप ही फ्लाई करता है और एक जगह पर होवर करने लगता है। स्टेबिलिटी काफी अच्छी लग रही है इसकी। इसके साथ मैं कुछ 3D फ्लिप्स वगैरह करा रहा हूँ, काफी अच्छी तरीके से 3D फ्लिप कर लेता है। फ्लिप मारने के बाद भी देखो यार, स्टंट मारने के बाद भी ड्रोन जो है काफी स्टेबल तरीके से फ्लाई कर रहा है यहाँ पर। इसके अंदर एक और फीचर मिल जाता है, देखो यार ये इस तरह से गोल गोल घूमने लगता है, ये भी मेरे को काफी ज्यादा
ओपी फीचर लगा इस ड्रोन के अंदर। एक और बटन है, इसको मैं जैसे ही प्रेस करता हूँ ये ऑटो लैंडिंग भी कर जाता है। वो भी दूसरा वाला ड्रोन भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। थोड़ा सा इसको ऊपर फ्लाई कराते हैं। इसकी कंट्रोलिंग थोड़ी सी मेरे को दिक्कत लग रही है गाइस। इंडोर में फ्लाई करा रहा हूँ फिर भी देखो ड्रोन जो है काफी अनस्टेबल फ्लाई कर रहा है। थोड़ा सा 3D फ्लिप भी करा देते हैं। ओ भाई काफी ज्यादा नीचे आ चुका था, बहुत ही अनकंट्रोल होकर ये फ्लाई कर रहा है। जैसे ही मैं इसको 3D फ्लिप या फिर स्टंट वगैरह करा रहा हूँ ये देखो वापस से नीचे आ चुका। तीसरा वाला ड्रोन भी अपन टेस्ट करते हैं। ये अपना VMAX ड्रोन, देखो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर एक चक्रम घूम रहा है भाई। इसके अंदर ऑटो टेक ऑफ फीचर अपने को नहीं मिलता है। ओ मैंने 3D फ्लिप कराने की कोशिश की थी, ये अनकंट्रोल होकर दीवार से टकरा रहा है यार। यहाँ पर मेरे को इस ड्रोन की भी कंट्रोलिंग थोड़ी सी गड़बड़ लग रही है, देख सकते हो। तो गाइस तीनों ड्रोन में से मेरे को अपना मेड इन इंडिया ड्रोन काफी ज्यादा स्टेबल लगा फ्लाई करने में। गाइस मैं आ चुका हूँ बाहर, अभी फटाफट से अपने मेड इन इंडिया वीर ड्रोन को अपन आउटडोर में टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं यार इसका डिस्टेंस कितना है, ये कितनी दूर तक फ्लाई कर पाता है। मैंने ऑलमोस्ट इसको 150 फीट दूर तक फ्लाई करा के देखा यार, बिल्कुल स्टेबल तरीके से फ्लाई करता है। आउटडोर में यहाँ पे देखो यार बहुत ही ज्यादा हवा चल रही है, फिर भी अपना जो ड्रोन है काफी सही तरीके से स्टेबल फ्लाई कर रहा है। अभी देखो यार मैं आपको जूम आउट करके बताता हूँ, इतनी दूर तक मैंने इसको फ्लाई करा दिया है फिर भी अपना जो ड्रोन है एकदम गजब तरीके से फ्लाई कर रहा है आउटडोर में और इंडोर में। ओके अभी दूसरा ड्रोन भी मैं आपको टेस्ट करके बता देता हूँ। VMAX को यहाँ पे फ्लाई कराएंगे। देखो यार सीधा हाथ से ही मैंने इसको टेक ऑफ करा दिया है। ड्रोन काफी अच्छी तरीके से फ्लाई कर रहा है। यहाँ पर थोड़ी सी हवा भी ज्यादा चलने लगी है तो ड्रोन की स्टेबिलिटी पूरी तरीके से गड़बड़ा चुकी है। तो इसका डिस्टेंस जो है ना यार काफी अच्छा खासा है, इसको भी जो है 150 फीट दूर तक फ्लाई करा सकते हैं। तो गाइस अभी अपना तीसरा वाला ड्रोन भी यहाँ पे टेस्ट करके मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक ऑफ करा दिया था। ओ भाई ज्यादा हवा आने के कारण ये ड्रोन एकदम से नीचे आ चुका था, फिर मैंने इसको कंट्रोल कर लिया है। ड्रोन काफी दूर तक मैंने फ्लाई करा दिया है। इसका भी जो रेंज है ना यार तकरीबन 150 फीट तक इसको अपन काफी आराम से फ्लाई करा सकते हैं, पर पूरी तरीके से अनस्टेबल ड्रोन है। अगर आप इसको ज्यादा हवा में फ्लाई कराओगे तो ये जो ड्रोन है खो भी सकता है। ओके गाइस वापस से मैं इंडोर में आ चुका हूँ। दोनों ड्रोन्स की यहाँ पे अभी अपन स्पीड टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं कौन सा ड्रोन फटाफट तरीके से टेक ऑफ कर पाता है। पहले VMAX ने टेक ऑफ किया, अभी ऊपर मैं इसको छत से भी टकराऊंगा। ओ भाई काफी खतरनाक तरीके से टकराया है। दोनों ही ड्रोन्स को मैंने छत से टकरा के देख लिया यार, दोनों ड्रोन्स को कुछ हुआ ही नहीं गाइस। दोनों ड्रोन्स बहुत ही ज्यादा टफ है। ओके अभी इन दोनों ड्रोन्स का स्पीड टेस्ट करेंगे, देखते हैं गाइस इस बार कौन जीतता है। वापस से मेरे को लग रहा है कि VMAX ड्रोन ही जीतने वाला है। दोनों को छत से भी टकरा के देख लेते हैं यार। दोनों ही ड्रोन्स बिल्कुल सही सलामत है, दोनों की टफनेस काफी अच्छी दी गई है। वीर ड्रोन के अंदर एक और खास चीज है मैं भी आपको बताता हूँ। देखो यार ये जो ड्रोन है ना बहुत ही स्मूथ तरीके से फ्लाई करता है और ज्यादा शोर भी नहीं मचाता है। वहीं दूसरी तरफ अपना जो रेड कलर का ड्रोन है ना भाई साहब बहुत ही ज्यादा शोर मचाता है यार। ये चीज भी मेरे को अपने वीर ड्रोन के अंदर सबसे खास चीज लगी। तीनों ड्रोन्स का यहाँ पर मैं वेट कैरी टेस्ट भी करने वाला हूँ। VMAX ड्रोन के नीचे मैंने सर्फिंग मैन ड्रोन को बांध दिया है। ये जो ड्रोन है ना यार अच्छा खासा भारी भरकम है। देखते हैं VMAX ड्रोन इतना ज्यादा वेट लेकर फ्लाई कर पाता है यानी। ऑलमोस्ट इसने फ्लाई कर लिया यार। ओ भाई नीचे अगर क्रैश हो गया, पता नहीं इसके अंदर कुछ गड़बड़ हो चुकी थी। अभी सेम टेस्ट अपन करेंगे अपने रेड कलर के ड्रोन के साथ, देखते हैं ये ड्रोन को लेकर फ्लाई कर पाता है यानी। ऑलमोस्ट ये फ्लाई कर चुका है यार, पर देखो ऊपर बिल्कुल भी नहीं जा पा रहा है। फाइनली अपन यहाँ पर वीर ड्रोन को भी टेस्ट करने वाले हैं। देखते हैं यार ये जो ड्रोन है इतना ज्यादा वेट लेकर फ्लाई कर पाता है यानी। ऑलमोस्ट यार इसने ड्रोन को ऊपर की तरफ उठा लिया है और थोड़ा सा अपन इसको ऊपर लेके जाने वाले हैं। ओहो गाइस इसकी जो पावर है, इसकी जो स्टेबिलिटी है, आप खुद यहां पर देखो यार क्या ही गजब तरीके से इसने दूसरे ड्रोन को फ्लाई करा लिया है भाई साहब, मजा आ गया यार। तो गाइस आप मुझे नीचे कमेंट करके बताओ आपको मेड इन इंडिया वीर ड्रोन पसंद है या फिर ये रेड कलर का ड्रोन पसंद है या फिर अपना VMAX ड्रोन पसंद है। नीचे कमेंट करो गाइस फटाफट से अभी कभी। चलो अभी मैं दे देता हूं शाउट आउट। सबसे पहला नाम आ जाता है अजय, शान, अपूर्वा, फैसल, नसीमुल, अर्नब, अर्पित, यासिर, शखावत, आर्यन। थैंक यू दोस्तों इतने अच्छे कमेंट्स करने के लिए। अगर दोस्तों आपको भी चाहिए शाउट आउट तो इस वीडियो पर कर दीजिए लाइक, नीचे कर दीजिए कमेंट। बाय दोस्तों।